हेलो व्यूवर्स, जैसा कि हम सब जानते हैं कि सीबीएसई ने पिछले साल अप्लाइड मैथमेटिक्स नाम से एक नए तरह का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट लॉन्च किया है, जो खास करके नॉन साइंस स्टूडेंट्स के लिए, जैसे कि आर्ट्स या कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है। और जो भी आगे गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं और वहाँ हमें पता है कि मैथमेटिक्स का पेपर तो लगभग होता ही होता है, उनके लिए अप्लाइड मैथमेटिक्स बहुत यूज़फुल है। तो अभी तक उसकी कोई बुक्स वगैरह अभी स्टैंडर्ड नहीं बनी थी, लेकिन अभी अभी कल ही यानी कि सीबीएसई ने अपनी वेबसाइट पर स्टडी मटेरियल जो कि अप्लाइड मैथमेटिक्स का है क्लास 11 और क्लास 12 के लिए अपलोड किया है। उसे डाउनलोड कैसे करना है वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसके लिए आपको सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट cbse.nic.in पर जाना होगा। तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ cbse.nic.in। इस वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको इस तरह का पेज मिलेगा। सबसे ऊपर वाले लिंक पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद नीचे की तरफ जाना है आपको, यहाँ पे एकेडमिक वेबसाइट पे। इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ आपको मिल जाएगा अप्लाइड मैथमेटिक्स स्टूडेंट सपोर्ट मटेरियल फॉर क्लास 11 क्लास 12। इस लिंक पे क्लिक करके आप जो है आसानी से स्टडी मटेरियल को डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि स्टडी मटेरियल किस तरह का है। यहाँ पे आपको ये नोटिस मिलेगा, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। क्लास 11 का लिंक ये रहा और क्लास 12 का लिंक ये रहा। तो आपको जिस भी क्लास के लिए चाहिए आप उस क्लास के लिंक पर क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए, ये आ गई इसकी यूनिट्स, यूनिट 1, यूनिट 2। और यहाँ पर देखिए बीच में आपको पहले सिलेक्ट करना आपको किस यूनिट का, यूनिट 6 चाहिए आपको, तो यहाँ पे यूनिट 6 पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद आप इस ओपन पे क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने यूनिट 6 का या 7 का, जिस भी यूनिट को आपने सिलेक्ट किया है, उसका पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल पीडीएफ की फॉर्मेट में आपको ये मिल जाएगा। तो यहाँ से आप इसको स्टडी कर सकते हैं। तो आई होप आपके लिए वीडियो यूज़फुल रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर भी करें, ताकि जिन स्टूडेंट्स को ये स्टडी मटेरियल की ज़रूरत है उन तक जल्द से जल्द पहुंच सके और वो अपनी जो तैयारी है वो अच्छे से कर सकें।